गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट वन, जिसमें हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का और एनिमल्स का भी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था सीजन, बॉडी रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, सीजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी, और अब है क्या कि हम इसके आगे क्या पढ़ें, है ना। तो इसके आगे हमने जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर लिया, तो अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोर्स गैमेट का फॉर्मेशन हो, कैसा गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो और उनका फ्यूजन हो, और उनके फ्यूजन की वजह से न्यू प्रोजेनी जब बने तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है अलग अलग पढ़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम बाद में कन्फ्यूज ना हो उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं। तो गैमेट्स हम बोलते हैं स्पर्म एंड ओवम को। गैमेट किसको बोलते हैं? स्पर्म एंड ओवम को। स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं? स्पर्म जो होता है वो मेल जेनेटिक मटेरियल, मेल गैमेट होता है, और ये फॉर्म होता है, स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, और ये फॉर्म होता है टेस्टिस में, यहाँ पर फॉर्म होता है टेस्टिस। ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है, और ये कहाँ फॉर्म होता है? ओवरीज में। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज में। तो टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स। ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं? स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होती है। टेस्टिस और ओवरीज में फॉर्मेशन होती है इनकी। स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है? टेस्टिस में। और ओवम कहाँ फॉर्म होता है? ओवरीज में। ठीक है, और ये दोनों टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के। मतलब कि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जन्म से कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं जन्म से? मेल और फीमेल के पास, बाद में डेवलप नहीं होते, ऑलरेडी ये जन्म से किसके पास रहते हैं? मेल और फीमेल के पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, बेसिक चीज़ें। अब होता क्या है एक्चुअली में? होता ये है कि जब टेस्टिस और स्पर्म
सॉरी स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों जो फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म होने के बाद क्या होता है ऐसा, है ना, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से नया बच्चा बनता है। तो ये हुआ आपका स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है, ये है स्पर्म और ये बड़ा सा बीच में न्यूक्लियस, ये है ओवम। ये किसका पार्ट है, फीमेल का। और फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये किसका पार्ट होता है, मेल का। और मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो स्पर्म एंड ओवम आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स कहाँ पर मिलते हैं, ये मैं नॉर्मल किसकी बात बता रहा हूँ, एनिमल्स की। तो ये कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मिलने के बाद स्पर्म एंड ओवम जब मिलेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। और जाइगोट बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस बनता है। और फीटस से क्या बनता है, बेबी। ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फैलोपियन ट्यूब में, जो कि एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहाँ पर स्पर्म एंड ओवम मीट करते हैं। और मीट होने के बाद वो दोनों जब मिलते हैं, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोसिस या मियोसिस दो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से डिवीजन होती है। तो यहाँ पर होता है क्या, माइटोसिस। क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस। स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन के लिए होता है मियोसिस, बट यहाँ पर जब इनका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, तो इन सब के प्रोसेस में क्या होता है, माइटोसिस होता है। और जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। और फीटस जब जन्म ले लेता है बाहर, जब बच्चा यूट्रस के बाहर आ जाता है, तो उसको हम बेबी बोलते हैं। लेकिन यूट्रस के अंदर वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। जब तक बेबी जन्म नहीं लेता तब तक हम उसको फीटस बोलते हैं, और जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी। अंडरस्टूड। तो ये है तुम्हारी बेसिक सी चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके बाद है क्या, हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या था, एक और चीज़ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है। प्लांट से पढ़ने के पहले एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है क्यों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, डीएनए में चेंज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उस चेंज की वजह से जो फीटस बनता है या फिर जो बेबी बनता है, उसमें चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, चेंजेस। और इन सब चेंजेस की वजह से जो बेबी होता है वो फिट होता है, फिट फॉर एनवायरनमेंट, फिट फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर डीएनए में चेंजेस नहीं होंगी तो बेबी फिट नहीं होगा। तो ये हो गई तुम्हारी बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो एक चीज़ याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब कि ज़रूर यहाँ पर मेल और फीमेल
दोनों की इन्वॉल्वमेंट है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर जो मेल पार्ट होता है, और ये और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है प्लांट्स में क्या, फ्लावर्स। फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं? स्टेमिन। और जो फीमेल पार्ट होती है उसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये होता कैसा है? मान लो ये पंखुड़िया है फ्लावर्स की, ठीक है, ये हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। ये होता है फिलामेंट। और एंथर के अंदर छोटे 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 से चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। और यही क्या होता है? तुम्हारा स्टेमन। इसके बाद होता है कि ये कौन सा पार्ट है? तो ये होता है फीमेल पार्ट, और ये क्या होता है? मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में बीच में होती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओवरी के अंदर क्या रहता है? एग। ओवरी के अंदर क्या रहता है? एग। ये है तुम्हारा स्टाइल। क्या है? ये स्टाइल। और ये क्या है? ये क्या है? स्टिग्मा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, रहनी चाहिए कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, तो प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है किसकी वजह से? फ्लावर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? फ्लावर्स की वजह से। और फ्लावर्स के दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं हम स्टेमन इन प्लांट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं पिस्टिल इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। ऐसे देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो कि अगर उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट हो, सिर्फ ओवरी हो, तो वो कौन से फ्लावर्स हो गए? यूनिसेक्सुअल। लेकिन ऐसे फ्लावर्स जिसमें फीमेल और मेल पार्ट्स दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगी। मेल पार्ट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? स्टेमेन। और फीमेल पार्ट होगी तो क्या होगा? पिस्टिल। सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में दोनों होंगे, मेल पार्ट भी होगा प्लस फीमेल पार्ट भी। तो ये चीज़ याद रखो। इसका एग्जांपल है तुम्हारे बुक में दिया हुआ कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनका एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन। तुमने सुना होगा कहीं भी अपने घर वर में या फिर किसी से बात करते हुए सुना होगा कि जो पपाया का प्लांट होता है, जो पपीता का प्लांट होता है, वो हमेशा डबल के पेयर में लगाते हैं। या फिर कभी कभी हम बोलते हैं कि पपीता फुलेना हो गया, फलेना नहीं हुआ, है ना। तो फुलेना हो गया मतलब क्या है कि वो सिर्फ फ्लावर दे सकता है और उसमें क्या है? फ्रूट्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे फ्रूट्स? क्योंकि वहाँ पर कोई और ऐसा प्लांट नहीं है जिससे वो क्या कर सके? फ्यूजन कर सके अपने फ्लावर्स का। जैसे मान लो कि वो फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर चाहिए उसको फ्यूजन के लिए। मेल फ्लावर कहीं है ही नहीं, सिर्फ फीमेल फ्लावर है वहाँ पर। तो क्या पपीता फलेगा? नहीं। पपीता प्रोडक्ट होता है ओवरी मतलब एग और पॉलन ग्रेन जब मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोडक्ट होता है क्या? फ्रूट्स। जैसे कि बेबी प्रोडक्ट होता है ना ह्यूमन बीइंग्स का, वैसे ही फ्रूट्स प्रोडक्ट होते हैं किसके? इसके प्रोडक्ट्स होते हैं फ्यूज़न के। तो अगर मान लो कि फ्रूट्स बन नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि फ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पपाया और वाटरमेलन जो होता है ये होता है तुम्हारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट,
जिसमें कि सिर्फ या तो मेल पैदा हो सकता है या तो फीमेल। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तभी फ्यूजन होगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा है तुम्हारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो हिबिस्कस क्या होता है, हिबिस्कस को हम क्या बोलते हैं, ओढ़ोउल। हिबिस्कस कौन सा फ्लावर होता है, ओढ़ोउल। और मस्टर्ड तो तुम्हें पता ही है, सरसों को बोलते हैं। तो ये दोनों जो फ्लावर्स होते हैं, ये दोनों जो पौधे होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इनमें मेल फ्लावर्स भी है और फीमेल फ्लावर्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ये बेसिक सी चीज़ें। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है कि एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकलता है, पॉलन ग्रेन निकल करके और स्टिग्मा पर आकर के लैंड करता है। कहाँ लैंड करता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जैसे लैंड करता है और इसके अंदर आता है, ट्यूब के अंदर अंदर आते 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 और फिर कहाँ पर जाकर के एंटर करता है, तुम्हारे ओवरी में। कहाँ जाकर के एंटर करता है, ओवरी में। और ओवरी में क्या है, एग है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्लस ओवरी या फिर जिसको बोलेंगे एग, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट जब बनता है और मैच्योर होता है तो इसी की वजह से बनता है सीड प्लस फ्रूट, सीड प्लस फ्रूट। तो सीड और फ्रूट किसके प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है पॉलन ग्रेन प्लस एग का मिलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन और एग जब फ्यूज होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट बन, जब फ्यूज होते हैं दोनों और फ्यूज होने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है जाइगोट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट की वजह से जब जाइगोट बड़ा होता है तो उसके बाद क्या बनता है, सीड एंड फ्रूट। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहाँ पर होता है, फ्लावर में। फ्लावर मेल होता है और फीमेल होता है। मेल को हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल को पिस्टिल बोलते हैं। मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्पर्म का काम करता है, और एग तो एग है ही, क्योंकि ओवरी में भी जब तुम देखोगे जो ह्यूमन बींग्स का ओवरी होता है उसमें भी क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एग का। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एग का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन और एग ये दोनों जब मिलते हैं साथ में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से बनता है सीड और फ्रूट। और जब पॉलन ग्रेन और एग मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। कहीं भी जब एनिमल वाले रिप्रोडक्शन पार्ट में भी जाओगे तो वहाँ पर भी जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और एक और चीज़ कि फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, पॉलन ग्रेन उतना दूर है और फिर स्टिग्मा इतना दूर है, मतलब एग इतना दूर है, पॉलन ग्रेन इतना दूर है, दोनों को साथ में लाएंगे कैसे। तो कोई भी मीडियम हो सकता है साथ में लाने का, बटरफ्लाई हो सकते हैं, भौरे हो सकते हैं, पानी हो सकता है। जैसे जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मीडियम पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, और ह्यूमन बींग्स भी बहुत हद तक काम करते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसकी वजह से होती है, मीडियम होता है कौन, एयर, वाटर, ह्यूमन बींग्स और एंथ्रोपोड्स। मैंने जब 9th क्लास में पढ़ाया था एंथ्रोपोड्स कौन से होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो सब एंथ्रोपोड्स में आते हैं। तो वो सारी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी फर्टिलाइजेशन में उतना ही ज़्यादा योगदान देते हैं, मतलब मैक्सिमम योगदान उन्हीं का होता है। वाटर, एयर और हम लोग, ये सब बहुत कम योगदान देते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि एनिमल्स में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, क्या होता है उनमें, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ती हुई पड़ेगी हमें। तो आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं पढ़ा देती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है, और कल से हम, मतलब जब भी अगली क्लास होगी तो उस टाइम से हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट का। तो ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन या फिर, हाँ ह्यूमन का देख लो, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स अभी हम देखेंगे, कैसे फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये होता है तुम्हारा जो बीच में दिख रहा है इतना बड़ा सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं यूटरस। क्या बोलते हैं? यूटरस। और यूटरस को ही हम बोलते हैं वोम्ब। क्या बोलते हैं? वोम्ब। जहाँ पर बेबी जो होता है, फीटस जो होता है वो रहता है, उसको हम बोलते हैं यूटरस या वोम्ब। क्या बोलते हैं? यूट्रस या ओम्ब। क्या बोलते हैं? यूट्रस या ओम्ब, जहाँ पर बेबी रहता है। इसके बाद है जो तुम्हें इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर हाथ की तरह, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नीचे में तुम्हें एक ये हाथ जैसा एक और स्ट्रक्चर जैसे ऐसा दिख रहा है कि उंगली है हाथ की, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिय। तो उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, उंगली को हम क्या बोलते हैं? फिंगर। और इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिय। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। यहाँ पर ये जो फोल्ड दिख रहा है तुम्हें ऐसे फोल्ड तक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और इसके ये जो नीचे सर्विक्स के नीचे जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होता है ये होता है तुम्हारा पार्ट जिसमें कि एक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एक का। किसका फॉर्मेशन होता है? एक का। ठीक है, और यूट्रस क्या करता है? फीटस को रखता है। यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा? फीटस। यहाँ पर क्या रहेगा? फीटस। मान लो कि बेबी है तो फीटस रहता है कहाँ पर? यूट्रस में। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। वजाइना जो होता है वो एक्सटर्नली खुलता है। वजाइना जो होता है वो एक्सटर्नली खुलता है। वजाइना के अंदर होता है सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर होता है यूट्रस, यूट्रस के बाद होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद होता है क्या? फिम्ब्री। फिम्ब्री के बगल में क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। तो ये सारी चीज़ें पार्ट्स तुम्हें याद रखनी है। एक और चीज़ मुझे बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, दोनों में मेल और फीमेल में। तो प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो होते हैं मेल्स और फीमेल्स में क्या? वैसे ऑर्गन्स जो बचपन से डेवलप हो रहे हैं, बचपन से ही डेवलप्ड है, वो बाद में डेवलप नहीं हुए। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी, वो वैसे ऑर्गन्स जो बाद में डेवलप हुए, मतलब जन्म के बाद डेवलप हुए, जब हम बड़े हो गए तो, जब हमें मैच्योरिटी आई तो डेवलप हुए। तो प्राइमरी में तुम्हारे आते हैं टेस्टिस, ओवरी, पेनिस, ये सारे कौन से होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। तो ओवरी किस में? फीमेल्स में। और टेस्टिस और पेनिस किस में? मेल्स में। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं किस में? फीमेल्स में ब्रेस्ट होते हैं। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं क्या? डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना, या फिर क्या
थिकनिंग ऑफ हेयर्स है ना, बियर्ड, मुस्टैचेज, ये सारे कब आते हैं? बाद में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि क्या होता है, या फिर प्यूबिक हेयर्स, मतलब कि थिक हेयर्स आने लग जाते हैं प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन मतलब वैसे रीजन्स जिसको हम छुपा करके रखते हैं, जैसे कि हमारा ऐसा जैसे पेनिस वाला जो एरिया होता है, जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होता है, जहाँ पर वजाइना ओपन होता है, तो वो सारे एरियाज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्यूबिक एरियाज, ठीक है। तो वो प्यूबिक एरियाज में जब हेयर्स थिकन होने लग जाते हैं तो ये होते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है और ये जाकर के पढ़ो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने दो चीज़ें पढ़ा दी हैं ऑलरेडी आज, तो ये दो चीज़ें पढ़ो और फिर इसके बाद आगे की क्लास हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तुम्हें भी पढ़ने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ कि प्यूबर्टी क्या होती है, हमें ये भी जानना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है हमारी लाइफ का, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ का प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है जब वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है ना, जब वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है। तो मैच्योरेशन कब स्टार्ट होती है, तो तुम्हारे बुक मैच्योरेशन एज कब तक दिया हुआ मैं देख लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक में मैच्योरेशन एज अलग अलग होता है। तो तुम्हारे बुक में शायद नहीं दिया है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फीमेल का जो मैच्योरेशन एज होता है वो होता है 9 to 13 years, 9 to 13 years। और मेल का मैच्योरेशन एज कब होता है, 12 to 16 years, 12 to 16 years। ये प्यूबर्टी गेन करते हैं मेल्स 12 to 16 years में, और फीमेल्स का 9 to 13 years, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक से चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, इसके बाद का हम बाद में पढ़ेंगे, और तब तक ये सारी चीज़ें पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज करके बोलो। कोई क्वेश्चन है किसी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में देखेंगे कि इसके आगे का क्या है।